क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप उसे देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब हम लोग लगभग 6 महीने से शूट कर रहे हैं इसके लिए और इतना लेट हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो इतने दिनों की मेहनत आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्रीन पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। प्रोमोज देखे होंगे, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रोमोज तो बहुत ही अच्छा बनाया है, सारी टीम ने सारे लोगों ने जो काम किया है इट्स डिफरेंट, और टेलीविजन में आई थिंक ये एक रेवोल्यूशन लेके आएगा एंड दिस इज़ अ मतलब इस शो के मैं पार्ट हूँ, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। क्या विश कहना चाहिए आज? एंड विश उसे बहुत ही ज़्यादा, वो अच्छे एक्टर हैं एंड उनको बहुत बधाई एंड बहुत अच्छा हो। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है सिया के राम में, सो ये हमारा साथ में दूसरा शो है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड रियली चाहती हूँ कि ये शो बहुत अच्छा चले। आपके लुक के बारे में जानना चाहूँगी, क्या खास आज की शाम में? कुछ वैसे तो खास नहीं, आई एम बहुत ही सिंपल सा एक ड्रेस मैंने पहना है एंड वेरिंग लाइक वन रिंग एंड जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल सा है। मुझे लगा कि मैं वन पीस नहीं पहनूंगी, कोई गाउन नहीं पहनूंगी, विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो मैंने हाई वेस्ट जीन्स एंड समथिंग शाइनी। दोनों हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि फाइनली एक साल के बाद हमारा जो हमारी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, फाइनली स्क्रीन हो रहा है, फाइनली ऑन एयर आ रहा है, और नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बन गए हैं शो को लेकर, उससे बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, सब कुछ मिक्स है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रोमोज इतने प्यारे थे और इतने ब्यूटीफुल थे, लार्जर देन लाइफ थे, मैंने बिल्कुल भी कोई भी एडिट नहीं देखा है, सो मैंने सोचा है कि जिस दिन टेलीकास्ट होगा उस दिन देखूंगी, क्योंकि एक साल की मेहनत है और मैंने सिर्फ पिक्चर्स ही देखे हैं और ज़्यादा कुछ देखा नहीं, और मुझे कहानी पता है और मुझे पता है किस तरह से शूट किया गया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि हाउ मच बिगर नाउ टी वी इज़ ग्रोन टू। आपसे पूछना चाहिए, इस किरदार को निभाने के लिए आपको कितना अंदर इसमें जाना पड़ा, इस किरदार में? देखिए, वो हर किरदार में जाना पड़ता है क्योंकि जब आप वो करके निकल जाएं ताकि लोगों को याद रहे, उसके लिए तो डेफिनेटली उसकी तह में जाना ही पड़ता है। इस बार भी काफ़ी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हर बार की तरह लोगों को याद रहेगा जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। आज इतनी तारीफ हो रही है, क्या कहूँगा, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल पीपल, come here, I'll make you meet our director, Mr. Mahmood Khan, our director is here. Hello. Hello. How are you? Hello. Continue. Yeah, so this handsome man is our director. Don't get confused. Yeah. He's our director. He directed our show. He's not acting in the show. He's acting on so much. Yeah. आज खास ये है कि मैंने एक ड्रेस पहनी है और जो कि ब्लैक ड्रेस है, जिसके एक फ्लोई सा गोल्डन सा वर्क है उसके ऊपर बीट्स का, और साथ में ये शूज़ मैंने उसके साथ बूट्स मैच किए हैं, रादर देन वेयरिंग द नॉर्मल गोइंग बाय द ट्रेडिशन, मैंने थोड़ा सा चेंज करके बूट्स ट्राई किए हैं ड्रेस के साथ, और मिनिमल ज्वेलरी है बस। और कुछ नहीं, मेरे लुक के बारे में, यार हम एक दूसरे के बारे में बोलना चाहिए, अपने बारे में कैसे तारीफ करें? ये जगमग जूते हैं, ये जगमग जूते हैं, ये जगमग जैकेट है, इसके पहले इन्होंने इसके नीचे वाइट जीन्स पहनी थी तो ये बिल्कुल डिस्को डांसर लग रहे थे, और मैंने ऐसे बाथरूम का दरवाजा खोला, आई सॉ आई लाइक नहीं, हम ये नहीं जा रहा है, ये ड्रेस कोड नहीं जाएगा, तो ये चेंज इट टू ब्लैक। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि दिस अटेम्प्ट, दिस शो इज़ टूवर्ड्स द रेवोल्यूशन ऑफ टीवी, प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज इस तरह के शोज़ अगर अप्रिशिएट होंगे और रेटिंग्स आएंगी तो एक बढ़ावा मिलेगा, एक पुश मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा फॉर टीवी मेकर्स एंड यू नो टू प्रेजेंट यू समथिंग विच इज़ लार्जर देन लाइफ, विच इज़ लाइक अ फिल्म, सो प्लीज़ वॉच द शो। थैंक यू बेटा। आज वो दिन आ गया, आपकी मेहनत रंग आई, तो कैसे रिव्यूज़ मिले अब तक? जो प्रोमो के रिव्यूज़ हैं वो तो काफ़ी मतलब उत्साह बढ़ाने वाले हैं, और लोग कह रहे हैं कि टीवी का इतिहास यहाँ से बदलेगा, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ सच में कि लोगों के ऐसे कॉम्प्लीमेंट अब तक आ रहे हैं, और अभी एपिसोड के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है
उस SMS से तो लग रहा है कि सचमुच कुछ नया हुआ है टेलीविजन में, कुछ नया जादू चला है, मेहनत दिख रही है, दिख रही है जी। अलग इसलिए है कि आप देखें, हमने फिल्म, हमने इस सीरियल को कहीं भी प्रेम कहानी के तौर पे नहीं रखा है, हमने ये नहीं कहा ये आने वाली महान लव स्टोरी बता रहे हैं, इसलिए कि वो दो विचार हैं, थॉट प्रोसेस है, एक जो रिवेंज से भरी है, जो एंग्स से भरी है, और दूसरी तरफ लड़का जो कविता करता है, जो युद्ध के खिलाफ है, वो वीर है, तो इट्स ऑल अबाउट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो अलग यहाँ होती है कि प्रेम कहानी तो है, प्रेम कहानी उसका मैन्युफैक्चर है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा थॉट प्रोसेस की है, विचार की, जहाँ युद्ध के खिलाफ शांति और प्यार के लिए लड़का मरता है। पहली बार आपने देखा होगा लड़की वॉर में इंट्रोड्यूस होती है और लड़का जो है कविता करता हुआ इंट्रोड्यूस होता है। अमूमन हम क्या करते हैं, सुपर हीरो को दिखाते हैं तो उसको हमेशा एक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ वो गणित थोड़ा चेंज हुआ है। इसके पहले मैंने चैनल के अंदर से ही सही, लेकिन सिया के राम, महादेव, महाकुंभ, तो अनुभव वैसा, वो संकट कभी नहीं था कि मतलब डर था, डर ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, क्या मैं वो कर पाऊँगा जो और लोगों के साथ, मैं एज ए प्रोड्यूसर क्या खरा उतर पाऊँगा, इट वॉज दी बिगेस्ट चैलेंज फॉर। बोलना चाहेंगे जनता को शो के लिए? जनता को बिल्कुल आप देखें और सराहें, एक नई तरह की कहानी, एक नए मिजाज की कहानी जो ग्लोबल ऑडियंस और भारतीय ऑडियंस को ध्यान में रख के गुथी गई है, तो हम चाहते हैं कि इसको आपका प्यार मिले, और सीजन बेस है, सैटरडे संडे 40 एपिसोड के 2 सीजन हैं, और मुझे लगता है कि ये कहानी आपको न केवल एंटरटेनमेंट देगी बल्कि विचार और भारतीय परंपरा की जो जड़ें हैं उससे आपको मुखातिब कराएगी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस द हार्ड वर्क दैट वी पुट इन आ रहा है निखर कर, एंड वी होप दैट आपको ऑडियंस को भी पसंद आए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड होप इट गोज वेल। ऑब्वियसली मेहनत की है इतनी, एक एक सीन को हमने इतना टाइम दिया है, इतने अच्छे से डायरेक्ट हुआ है, शॉट्स इतने अच्छे से लिए हैं, एंड आई विश दैट ये अच्छे से जो है। आज की पार्टी के लिए बस थोड़ा डांस वांस करना है, सो कंफर्टेबल टाइप का लुक है, जस्ट स्कर्ट एंड टॉप जो मेरा सिग्नेचर लुक एज आई कॉल इट, बिकॉज आई यूजुअली वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स एंड टॉप, सो सिग्नेचर लुक में हूँ मैं, एंड दैट्स ऑल नॉर्मल सिंपल है, नॉर्मल मेकअप। बस यही कहना चाहूँगी कि गाइज यू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, द वे यू लव्ड all our series before, the way you loved me in Ye Rishta Kya Kehlata Hai, I wish you love Vilas that much as Naira, and lots of love, keep loving. Thank you so much. जी अब थोड़ी राहत पड़ी है, कलेजे को ठंडक मिली है, अब अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अब देखिए मुझे पसीना आ रहा है, उस टाइम ठंडी लग रही थी मुझे। जी तो मेरे किरदार का नाम है मृणाल, और जैसा कि आपने देखा होगा ये वॉरियर प्रिंसेस हैं, और हर चीज़ में, रणनीति में और युद्ध नीति में और राजनीति में, हर चीज़ में ये निपुण है, अपने आप में सक्षम है, और एक तरह से मान्यखेट की कर्ता धरता है ये, और इन्होंने अपने भाई को राजा बनाया है, और मैं क्या कहूँ, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फियर्स कैरेक्टर है। मेरे इसमें सारे ही लुक्स आई थिंक एक छोड़ के थोड़ा सा वो जो थोड़ा हल्का है, बट बाकी सारे बहुत एलैबोरेट हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हैं, और साथ में बहुत हैवी भी हैं, उनको इतनी देर पहनकर काम करने में बहुत दिक्कत आती है, बट एज लॉन्ग एज सब इतना अच्छा लग रहा है और सबको पसंद आ रहा है तो क्यों नहीं, इट्स ऑल वर्थ इट। जी हॉर्स राइडिंग की आई थिंक 1 महीने के आसपास, 15-20 दिन किया था, और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पहली बार जब घोड़ा सामने आया तो प्यार व्यार तो बहुत आया देखकर, क्योंकि मुझे वैसे भी जानवरों से बहुत प्यार है, लेकिन दूर दूर से ही, क्योंकि वो इतना घोड़े, आई मीन हॉर्सेज आर ह्यूज, यू नो समथिंग दैट इज़ 300 किलोज़, आप सोचिए उसका एक पैर पड़ा आप पे एंड यू आर डन, यू नो,
बट पहली बार जब घोड़े पर बैठी तो मुझे अभी भी याद है, मेरा दिल इतना धक धक हो रहा था और सब कुछ रुक गया था, टाइम रुक गया था बिल्कुल. बट अब यू नो करते करते आदत पड़ गई है और काफ़ी मज़ा आ रहा है. जी अभी तो भूख लग रही है, पहले तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था नर्वसनेस के चक्कर में. अभी तो पहले पेट पूजा करूँगी अच्छे से और उसके बाद डांस करेंगे हम. जी ये कायरा का आउटफिट है बाय कायरा छाबरिया एंड दिस इज़ मी, वेरी सिंपल एंड हैसल फ्री. व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी कि आपने पास्ट में जितना प्यार दिया है, जितना सराहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस शो में, तो बस उसी तरह हमें प्यार और करते रहिए और सराहते रहिए. थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के? सो आई एम प्लेइंग सुलोचना इन द शो एंड सुलोचना शी इज़ अ फीमेल वॉरियर, शी इज़ द राइट हैंड ऑफ मृणाल, शी इज़ लाइक अ फीमेल कटअप इन द शो. सो इफ मृणाल किसी प्रॉब्लम में से पहले पहुँचे, शी इज़ ऑलवेज देयर, लाइक शी इज़ दैट गर्ल हु कैन गिव हर लाइफ टू हर. आई एम स्पीकिंग अफ्रीकन इन द शो. So I've learnt basics of this language and I try to remember the dialogues and I feel ek actor ke liye language kabhi barrier nahi honi chahiye because you know acting is more about your emotions, how you act in front of the camera. It should it's a very vast thing. Matlab aap dialogues bol ke, aap dialogues bina bole bhi aap perform kar sakte ho. I feel that. I love the show. Show ka look bahut acha hai and I feel it's a very different show. Ab tak jitne maine historical shows dekhe hain, this show is completely different from that and we all have given our best to it. It's been 8 to 10 months since we have been shooting for this and you know finally our product, our baby is out in the market and you know everybody is just watching it and I'm sure they will love it because we have given our best to it and we love the show. So I'm wearing this. This is completely different from how I look in the show. And this was a birthday gift. And so I thought of wearing it. It's backless. So I thought it looked very different. That's why it's a different necklace. It's from Claire's. And I recently purchased this. Thank you so much. Thank you. आप मेरी ड्रेस पे मत जाइए, लेकिन मैं पृथ्वी वल्लभ की माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, महारानी वाजदा, एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रोल एंड बहुत सारे शेड्स हैं. एक थिन लाइन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकॉज पृथ्वी मेरे अपने बेटे नहीं हैं और मेरा अपना बेटा जो है मैं चाहती हूँ उसे राजगद्दी मिले, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पृथ्वी इस गद्दी के लायक है. सो इट्स अ डिलेमा ऑफ बीइंग अ मदर एंड अ स्टेप मदर and then what overcomes and how I feel and मैं finally Prithvi को राजा के रूप में देखती हूँ because good prevails. So this is what the character is and it's a very very powerful character. We all जिस तरह से हम सब बहुत चिल्ला के airing देख रहे थे, आप समझ सकते हैं we all have been like really waiting very patiently for this. It's a very very proud moment for all of us बिकॉज हम सबका हार्ड वर्क आज दिखना था एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द फर्स्ट एपिसोड हैज़ कम आउट. आज की शाम के लिए बिल्कुल मैंने माँ से बिल्कुल अलग रूप धरा है. यू नो एज यू सी दिस इज व्हाट आई हैव बीन वेयरिंग एंड दिस इज पर्पसली टू ब्रेक द मोनोटनी दैट आई माइट बी प्लेइंग अ मदर देयर बट दिस इज व्हाट आई एम. सो everybody should know that this is what the original Shalini Kapoor is. Viewers ko kehna chahenge please the way you have supported me and liked all my roles in Swaragini, in Devo Ke Dev Mahadev, in Kubool Hai, I expect the same kind of viewership and love and support from you all for Prithvi Vallabh also. Please make it happen. Thanks.